খালি ঘুরাইছো কি রে কি দাও তো এদিকে যামু তো Hey guys, good morning, welcome back to my channel and thank you watching for me. और आज तो बहुत बहुत ठंड है, क्या बोलूँ, मैं तो बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ आज. एक्चुअली आज मेरा प्री वेडिंग शूट है, सेकेंड डे, और देखिए मैं कितना जल्दी उठ चुकी हूँ, 5 बजे से पहले. OMG, आप लोग को बता नहीं सकती, इतना ठंड है. हम लोग को जाना है अभी, तो मेरी दीदी अभी खाना पका रही है, मतलब सब्जी और रोटी पका के हम लोग को देगी, क्योंकि हम लोग जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे मतलब ये सब नहीं मिलता है खाना, इसलिए हम लोग लेके जाएंगे. और शूट भी करेंगे ना तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा खाना वाना लेके जाएंगे. तो और मेरा सिस्टर देखो अभी तक सो रही है, मैं कब से बुला रही हूँ, उठ जा उठ जा उठ जा, नहीं उठ रही है. बहुत लेट हो जाएगा क्योंकि 6 बजे गाड़ी आ जाएगा, हम लोग को बहुत दूर जाना है और लेट भी हो जाएंगे, तो पता नहीं कब उठेगी. और यहाँ पे देखो और एक गहरी नींद में है, कितना टाइम हो गया, कब उठेगी 6 बजे. तो अभी लेट हो चुका है हम लोगों का, 6:30 हो गया, हम लोग निकल रहे, तो सिस्टर अभी तक नहीं आ रहे, तो गाड़ी में जा रहे. बद्दी टाटा, बद्दी टाटा. अभी हम लोग निकल चुके हैं बहुत दूर के रास्ते के लिए, तो कितना टाइम लगेगा पता नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, 5 आवर्स तो लगेगा. हम लोग बहुत लोगों को रिसीव भी करेंगे, तो अभी सूरज मामा भी आ चुका है, तो अभी मैं मेरे फियांसे को रिसीव करूँगी, तो उनको भी रिसीव कर लिया. उनको बहुत बुखार आ गया क्योंकि जो लास्ट प्री वेडिंग शूट था उसमें बहुत ठंड उसको लग गया, इसलिए उसको बुखार भी आ चुका है. अभी हम लोग सबको रिसीव कर चुके हैं, तो देखिए मेरे साथ आ चुकी है मेरे दीपा, तो उसको भी अच्छा नहीं लग रहा है इतना, इसलिए वो ऐसे ही मेरे ऊपर सो रही है. और मेरे राइट साइड में मेरे फियांसे बैठे, मेरे लेफ्ट साइड में मेरी दीदी की बेटी, और सामने मेरे सिस्टर, उसको भी इतना अच्छा नहीं लग रहा है, कब जाके पहुंचेंगे, फिर उन वो दोनों से बोल ही रही ऐसे. और तो यहाँ पे 3 भैया लोग हैं, सामने एक है और पीछे 2 है, तो वो लोग प्री वेडिंग शूट के लिए हम लोग के साथ जा रही है, तो हम लोग का जर्नी शुरू हो चुका है सब एक साथ, तो देखते हैं क्या क्या होता है. तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए कहीं पे रुके हैं, तो मेरे सिस्टर का तो हालत बहुत ख़राब है, उसको तो बुखार है, अच्छा भी नहीं लग रहा है इतना उसको, तो मेरे सिस्टर को बोल रही इधर देख, वो बोले ऐसा मत कर, मेरा हालत बहुत ख़राब है. हम लोग अभी तक नहीं पहुँचे हैं, तो कब जाके पहुँचेंगे पता नहीं. मेरा सिस्टर तो सो रही है इतना गहरी नींद में, वो पहले बोली है मैं गाड़ी में सोऊंगी, तो हम लोग पहुँच गए अभी यहाँ पे उतरेंगे, उसको बोले उठ जा, बोले उठ रही हूँ उठ रही हूँ. आ चुके हम लोग. अभी मेरा आउटफिट देखिए आप लोग, मेरा फर्स्ट आउटफिट है, मैं रेडी हो चुकी हूँ, सेल्फ मेकअप किया थोड़ा ही किया है, तो यहाँ पे हम लोगों का भी शूट होगा थोड़ा, तो यहाँ से शूट होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं दूसरी जगह. इस जगह पे आके मुझे इतना खुशी हो रही है क्योंकि मुझे बहुत मन था यहाँ पे शूट करने, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं तो बहुत मस्ती. मेरे प्री वेडिंग का वीडियो शूट देखना है तो मेरे ब्लॉग चैनल में ज़रूर देख सकते हैं आप लोग, बहुत जल्दी अपलोड होगा. शूट करते करते थोड़ा ब्रेक मिल गया, इसलिए चलो थोड़ा गपशप करते हैं, तो दोनों मिलके गपशप कर रहे हैं. और वो दूर पे देखिए दीपा को, वो वहाँ पे बैठी है क्योंकि उसको ठंड लगती है वो पानी से, तो वहाँ पे कैमरा भी है इसलिए उसको बोला चल तू वहाँ पे बैठ. तो यहाँ पे एक भैया वो पत्थर लेके ऐसे खेल रहा है, वो छोटे टाइम में हम लोग खेलते हैं ना, खेलते थे, अभी नहीं खेलते हम लोग. तो सिस्टर बोल रही है वो भी खेलेगी, तो चल वो भी खेल रही है, क्या खेल रही है उसको भी पता नहीं, ऐसे एक बार मारती है तो ऐसे ही पत्थर पानी में डूब जाता है. तो अभी हम लोग को पिक्चर दिखा रहा है, तो मैंने उसको बोला कैसा हुआ, उसने बोला पता नहीं इतना अच्छा नहीं होगा. नहीं
देखो यहाँ का पानी इतना साउंड है, मेरा सिस्टर भी आया है। अभी हम लोगों को डेंजर जगह पे लेके गया है फोटोशूट करने के लिए। मतलब इतना स्लीप है, क्या बताओ आप लोगों को, जो जो वहाँ पे जाके आया है उसको ही पता है इतना स्लीप है। और मैं तो उसको बोल रही हूँ मेरा हाथ मत छोड़ो, मैं भी आपका हाथ नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी तो पूरा पानी में जाऊंगी। इतना स्पीड है पानी का, बहुत बहुत स्लीप भी है। तो हम लोग वहाँ पे शूट करेंगे और भी थोड़ा उस टाइप उस साइड जाएंगे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं तो बहुत मस्ती कर रही हूँ। वाह कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा भैया लोग मना कर रहे हैं और मत जाओ और मत जाओ, पानी बहुत, पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है। जल बेशी आए बोलते से, तो जल बेशी आए बोलते से, बोल बोल स्टेज में। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, अभी फ्लो ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोग को बोला जल्दी जल्दी करो, पानी इधर ऐसे आ रहा है बहुत ज़्यादा हो गया। इसको तो ठंडा लग गया, ठंडा लग रहा है ज़्यादा। हाँ बंद उसको तो यहाँ पे दिखाती हूँ कैसे जाना पड़ता है। ऐसे जाके देखो कितना फ्लो है सच में। हम लोग तो देखा है आप लोग ने, हम लोग का वो स्लीप है, बहुत स्लीप है। इतना अच्छा प्लेस है, आप लोग जरूर आइए। मुझे तो बहुत मन था यहाँ पे फोटो शूट करना है, तो यहाँ पे करना है। तो अभी मेरी सिस्टर और उनकी बेटी वो लोग फोटो शूट करेंगे, तो भैया लोग भी फोटो शूट कर रहे हैं। थैंक यू भैया लोग, इतना अच्छा अच्छा पिक्चर लेके दिया। तो हम लोग यहाँ पे फोटो शूट किया था, अभी वो बढ़िया लगता है। कैसा लग रहा है इस पानी को? अच्छा अच्छा, आपको कैसा फील हो रहा है, आपका फेस दिखाइए। इसलिए मैं यहाँ पे अभी आई हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि शादी तो एक बार करेंगे और तब भी मन में मतलब वो था क्या क्या करना है। चलो 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 खुला दो ना तंदे का ना, वो लोग को अभी उठा के देखे पिक्चर वहाँ पे। वो भैया उसको पकड़ पकड़ के लेके जा रही है क्योंकि वहाँ पे तो बहुत स्लीप है। और आगे कितना हो फोटो खिला दो तो बता, अभी मेरे पिक्चर को लेके जाएगी तो मैं उसको देख रही हूँ। पकड़ कैसे कैसे उठ रहे हो, हम लोग बहुत मुश्किल है उठना, तो ऐसे टिकट से बहुत ऊपर है हम लोग की गाड़ी। नारसना जूता लो, अमन जूता दो, पैकेट आंची आंची उठो आंची, दीपा उठाओ
तो वो लोग उधर से चलो कैसे उठेंगे पतली पतली है दीपा क्या हुआ आपको चलो चलो ब्रोडा ब्रोडा उसको पकड़ पकड़ के लाना है। हम सब लोग ऊपर उठ चुके हैं, सिर्फ दीपा ही बाकी है और एक भैया को बोला था उसको लेके आओ, वो बोल रहे हैं वो उसको लाने में मुझे भी टाइम लग जाएगा। वो भैया भी उठ चुके हैं तो उसको बोलो इधर से आ इधर से आ, उसका कमर दर्द हो गया। वो बोले इतना ऊपर उठना है, नीचे तो आ चुकी हूँ लेकिन ऊपर जाने में बहुत मुश्किल। खाना वाना खाना है, कहाँ पर खाएँगे पता नहीं, घर से लेके आए थे तो अभी ड्रेस चेंज करना है। चप्पल वप्पल लेके सब गाड़ी का भैया तो बोल रहे ड्रेस खराब हो गया मेरा, गाड़ी गंदा मत करो, हम लोग तो करेंगे। यहाँ पे खाना परोस रही है मेरी सिस्टर सबके लिए, रोटी और सब लोग खा रहे। दादा खा लो पिकनिक खा लो, सब लोग यहाँ पे खाना वाना थोड़ा खा लेते क्योंकि हम लोग का शूट लेट हो जाएगा तो बाद में जाके लंच करेंगे। यही हम लोग का लंच हो जा रहा है। क्या उनका उसका आपका कमर पे क्या हो गया आपके? ये उसका फर्स्ट जर्नी और हाँ और इसका लास्ट जर्नी। एक তোমার খাওয়া হইলে কি বেতা করে সুন্দর করে বউ। আরে সবজি ঠিক আছে, সবজি ঠিক আছে, তোমরা কাছে তাহলে তোমরা আমরা সেম হই আমি লক্ষ ये मेरा नेक्स्ट आउटफिट है और कैसी लग रही हूँ पता नहीं, आप लोग बता दीजिए कमेंट करके कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं तो रेड नहीं पहनती हूँ इतना ज़्यादा। मैं सोचती हूँ रेड पहनने से अच्छा नहीं लगा ऐसा सोचती हूँ, तो आप लोग भी बताइए कैसी लग रही हो। तो हम लोग अभी दूसरे प्लेस में जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं पता नहीं, जंगल से। और ये दोनों तो नहीं आ रहे, इधर आए, वो दोनों आ गए। देखो इसने कितना सुंदर एक हेयर पे लगाया, इतना अच्छा लग रहा। आजा आजा, कैसे बनाया है दिखा दे। ये एक्चुअली मेरा डांस का फुल कमला, उसको दो हेवन को जोड़ लिया जोड़ के उसको ये फ्लावर है ऐसे ही ऐसे घुमा घुमा के बांध लिया। चलो अभी चलो खाने में जगह सिंपल है, एकदम सिंपल सा है लेकिन अच्छा ही होगा, हो सकता है क्योंकि वो लोग ने चूज किया है भैया लोग ने, तो अच्छा ही होगा, देखते हैं सामने जाके। OMG बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, अच्छा लग रहा है पूरा पानी। आई
सा। यहाँ पे जो सीन है दिखने में बहुत सिंपल है, और भैया सब वो रेडी कर रहे हैं। बहुत सुंदर है दिखने में, मतलब सिंपल में इतना अच्छा लगता है, लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। नाइस प्लेस। फोटो खींचे या ना खींचे वो लोग जरूर खींच रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, देखो वो दोनों को देखो देखो। हम लोग का फोटो शूट नहीं, उन लोग का अच्छा लग रहा है। चलो फोटो और भी खींचना है, वहाँ पे भी जाना है जिससे। यहाँ का प्लेस इतना सिंपल, क्या बोलूँ आप लोगों को, आप लोग आने से समझ सकते हैं इतना सिंपल है। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा, पिक्चर बहुत ही अच्छा आता है। और दूसरे साइड में मेरी बहन और वो दीपा, वो दोनों वो साइड में जाके पिक्चर लेके आई है। वो बहुत दूर के साइड है, वो दूसरे साइड है, लेकिन बहुत ही अच्छा उन लोगों का पिक्चर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा ड्रेस बिक गया पीछे तो, और भी बिक गया, बहुत ज्यादा बिक गया, इतना बिक गया। आपको कैसा बोरिंग फील हो रहा है? उसको बोरिंग फील हो रहा है, कितना बोरिंग फील हो रहा है बोलो इतना क्यों? शादी करना है एक बार ही, दो बार नहीं। तो चलो मेरा क्राउन, तो मैं सबसे पीछे हूँ। और ये ले लिया था, इसको लिया था, बोला था थोड़ा काम आएगा, तो जहाँ पे काम चाहिए मैं लेके नहीं गई थी, तो उन लोगों ने बोला अभी नहीं चाहिए, तो ऐसे ही लेके आई। तो मैंने अभी क्राउन पहन लिया, एक पिक्चर क्राउन में लिया, सिर्फ एक लिया, एक शॉर्ट पिक्चर भी नहीं, वीडियो होगा लिया। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी में, तो जाके हम लोग लंच करेंगे और एक दोस्त से मुलाकात करेंगे बहुत साल बाद, उनको इनवाइट करेंगे शादी के लिए, क्योंकि इस साइड में आई हूँ तो बहुत दूर है ना, तो इसलिए जाने के टाइम में उनको इनवाइट करके जाऊँगी, तो उनसे भी मुलाकात करूँगी। इसलिए जल्दी जल्दी जाना है, एक दोस्त के घर जाना है, एक छोटा भाई के घर जाना है, तीन जगह में जाना है। तो देखते हैं जा पाएंगे या नहीं पाएंगे, मेरा मन है उन लोगों को इनवाइट को सामने सामने करने से अच्छा है। चलो पानी ख़त्म, चलते हैं। अभी हम लोगों का शूट कंप्लीट हो चुका है, अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो अभी लंच का टाइम तो कब का ख़त्म हो गया, तो अभी जाके खाना बना। खांसी हो गया इतना बहुत खांसी हो गई एक्चुअली, इसलिए वो बहुत टाइम पानी में थी, जो ड्रेस पहले भिगाया था वही पहन के बहुत टाइम थी, इसलिए बट उसको भी ऑब्जर्व करो अंडर इंडियर भी तो 150 कोटि मार रहे हैं गोना वैसे नते बेची हो ठीक है सर लंच का क्या करोड़ प्लेयर रेडी होता सने वर्ल्ड कप में ठीक है हम लोग को खाना है 138 नंबर है लास्ट हां लास्ट एक्टिव इसलिए बाइचुंग भुटिया आसलो एयरपोर्ट तो आप आसने स्माइल कर देना दीपा आप आएंगे और कभी दीवार किया था की खेल चेमेसी हां वो नहीं आएंगे सब हमारे शाह सब चल एम्बापे एम्बापे ना बहुत ऐसा है इतना दूर मेसी का वाला खेल एम्बापे बहुत दूर है ना एम्बापे है अरे किस शहर का बहुत दूर पे वहां पे कारण का उत्पत्ति है तो वहां के पानी ऐसे नीचे जाकर इतना स्पीड है आप लोग देख रहे हैं और सामने से तो देखने से क्या बोलेंगे नीचे हम लोग ने शूट किया था ओ नीचे तो बोलो बुला रहे हम मैं चलती हूँ तो वहाँ पे जाती हूँ बहुत ऊपर आए थे अभी नीचे जा रहे एक देख चीज देखने के लिए जहाँ से जा रहे उठने के टाइम उठने के टाइम में तो दौड़ दौड़ के उठ चुकी हूँ अभी नीचे जा रही हूँ ऐसे
OMG अभी यहाँ से जाना है। आस्ते आयो जाओ जाओ दो रूम जाओ जाओ। अरे तुम जाइए तो डालो ना करने हमारा फोर रूम भाई यहाँ से भी नीचे जाना है। अभी हम लोग टाटा बाय बाय कर रहे डुम्बुर में डुम्बुर टाटा बाय बाय। अभी हम लोग लंच करने के लिए आए हैं क्योंकि लंच का टाइम तो कब का निकल चुका है तो यहाँ पे लंच बोल के शाम को शाम का स्नैक्स के बजाय हम लोग लंच करेंगे। अभी 5 o'clock हो गया इसका तो पैर ही नहीं चल रहा है। वो देखो ना घर का ड्रेस पहन के आई है अभी पैर में हील पहन के सारे चोट लगी है। हाँ पैर में चोट लगी इसलिए हील पहनी है मेरा मेरी। और अभी आजा आजा खाने के लिए आजा तो सब लोग यहाँ पे खाने के लिए चलो। अभी मैं अमरपुर में आई हूँ। एक्चुअली मेरा वॉइस क्यों ऐसे दे रही हूँ वहाँ पे गाना बज रहा था कॉपीराइट आएगा इसलिए। तो मैं बहुत साल बाद मुलाकात करूँगी आज। मेरा शादी का इनविटेशन कार्ड भी लेके आई हूँ बहुत दूर है ना इसलिए एक साथ लेके आई हूँ और इनवाइट भी करके जाऊँगी। तो मेरे लिए वहाँ पे वेट कर रहे देखो उसके पार्लर है वो तो वो बोल रहा है क्या करो आप क्या कर रहे हो। मैं बोल रही कुछ नहीं ऐसा चलो उसको पता भी नहीं मैं ब्लॉक करती हूँ। तो बहुत दिन बाद मुलाकात हो। तो उनके काम के टाइम में मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ तो उनको बोला चलो आप काम भी करो बात भी करते बहुत दिन के बाद मुलाकात हो गपशप करते। और यहाँ पे वो दोनों बैठ के फ़ोन यूज़ कर रहे और गाड़ी चला गया है BUC में। तो हम लोग यहाँ पे बहुत बहुत सारा बातें की उनके मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वो मेरा पहले तो मेरा डांस पार्टनर है मेरा अच्छा वाला डांस पार्टनर। उनके बिना मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी पहले किसी के साथ डांस क्योंकि मेरे साथ भैया का बहुत अच्छा जमता था और भैया मुझसे बहुत बहुत बड़े हैं। और उनका घर अमरपुर में है वहाँ पे उनका डांस स्कूल पे है स्कूल भी है और पार्लर भी है और वो मेकअप आर्टिस्ट भी है बहुत कुछ है। वो बहुत दिन के बाद मुलाकात हुआ अच्छा लगा बहुत 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 अच्छा लगा। टाटा 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 दीपा को जितना बार वीडियो कर लेती हूँ वो मुँह छुपा लेती है और उसके साथ वो भैया भी मुँह छुपा लेते हैं। मस्ती आएगा क्योंकि इसको हम लोग धक्का दरवाजा खोल के धक्का मार देंगे। আমার বিপদে রাখো না দুষের বাকিতে রাখো না সঞ্জয় দেবনাথ ঠিক আছে চলো টাটা থ্যাংক ইউ গুড নাইট বাই গুড নাইট। मैं आके पूरा टायर्ड हो चुकी है और यहाँ पे ऐसे बैठी है क्या लेके स्वेटर और इस डॉल को लेके बैठी है इसकी है उसकी डॉल ही।
सो अभी हम लोग घर में आ चुके हैं, लगभग 10 मिनट हो चुका है, अभी 9:45 बज रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा आज फोटोशूट करके, और सबको हम लोग ने ड्रॉप करके तीनों लास्ट में घर में आए। तो अभी तो बहुत बहुत टायर्ड हुए, तो आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट ब्लॉग लेके ज़रूर आऊँगी। बाय बाय, गुड नाइट।